महिला पर्यवेक्षक भर्ती के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। एक बार रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 27 को होने वाला है, यानी कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सभी का आंसर ऐसे ही मैं टिक लगा दिया हूँ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत, है ना। जो टाइफाइड है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, महिला पर्यवेक्षक की टोटल मैं डेली क्लास ले रहा हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 27 अगस्त को एग्ज़ाम है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, रिविजन करके जाइएगा। आपको पढ़ने के लिए समय बहुत कम है ना। जितना हो सके आप रिवाइज कीजिएगा। दूसरा का ऑप्शन व्यापम ने विलोपित कर दिया था, इस कारण हम उसको नहीं ले रहे हैं। तीसरा है पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, यानी कि ज्वाइंडिस। पीलिया को क्या कहा जाता है? ज्वाइंडिस। ये आपका यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को लीवर कहा जाता है। सभी का आंसर मैं टिक छोटा सा नीला टाइप का लगा दिया हूँ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और यहाँ आप लोग रिविजन कर लेते हैं, मतलब 3 से 4 नंबर आपका बन सकता है। तो एक बार रिवाइज कीजिएगा। वीडियो में एक बार में याद नहीं होता है, सभी को मालूम है। आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, या फिर एग्जाम दिलाने से पहले वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आप सभी को मालूम होगा, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है ना। हैजा यानी कि छोलेरा क्या है, उसका कारण क्या है? तो जीवाणु, उसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? बैक्टीरिया, ठीक है। खसरा यानी कि मेसेल्स रोग को क्या कहा जाता है? विषाणु, उसको वायरस कहा जाता है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का, याद रखना, कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। दिल का दौरा किस कारण होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? तो फ्लोरीन, ऑप्शन ए। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? जल्दी से बताइएगा। रिकेट्स रोग आपके विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन ए आपका रेटिनॉल है, जो कि आंखों से होता है, ठीक है। आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए विटामिन ए का किया जाता है, जबकि विटामिन सी स्कर्वी रोग के लिए किया जाता है, यानी कि चेहरे के लिए, त्वचा के लिए। विटामिन डी आपको बताया था किसकी कमी कारण? रिकेट्स कमी कारण। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए। जितने भी सभी विटामिन हैं सब पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्कर्वी रोग का इलाज के लिए किया जाता है? आंवला सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपका, आंवला, है ना। तो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला, याद रखना। कभी भी अगर आपको त्वचा से संबंधित जो भी बीमारी हो जाती है, आंवला से आपका त्वचा ठीक हो जाएगा। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो फंक ने। किसने? फंक ने। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल रिवाइज करके जाएगा, चाहे बेटा हो या बेटियाँ हो, है ना। तो महिला पर्यवेक्षक की जो क्लास मैंने कल कराया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिए गए, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, 27 को आपका एग्ज़ाम है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। वीडियो पसंद आ रहा है ना, लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि इस वीडियो में लाइक आना बहुत जरूरी है। आप लोगों का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो गाजर, है ना। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? गाजर। फसल बढ़ाने की जो तैयारी कर रहे हैं ना, या करना चाहते हैं, तो हम 15 अगस्त के बाद क्लास लेंगे कंप्यूटर और छत्तीसगढ़, ठीक है। छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। मान लीजिएगा कोई छिली, जैसे हम सब्जियां बनाते हैं तो छीलते हैं या फिर धो देते हैं, तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। यहां पर बिल्कुल कमेंट ना करें। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? तो फोलिक अम्ल,
विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है आपका गेहूं का अंकुर का तेल। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, भी आपको बताया था विटामिन के, जैसे कि यहाँ पर भी एग्जाम में पूछ लिया है, दो बार रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन, और 2019 में और 21 में पूछा गया था यह क्वेश्चन, है ना। विटामिन सी इस कर्वी रोग यानी कि त्वचा के कारण, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताएं। आप चलिए आप सभी के लिए प्रश्न है, विटामिन ए किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ई है, बिल्कुल सही, जितने लोग आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। विटामिन ई विशेषता किसके लिए है, अब देखिए अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, क्या आएगा आंसर ए, विटामिन ई जैसे बताया था ना अभी, अब उसकी विशेषताएं यहाँ पर देखिए। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, डी की, विटामिन डी, अगर आप मछलियाँ खाते हैं तो आपको विटामिन डी मिल सकता है। चलिए आप सभी के लिए प्रश्न, जैसे आप सभी को क्वेश्चन करूंगा सभी के लोग आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। विटामिन ए किसके कमी के कारण होती है, जल्दी से बताइएगा। विटामिन ए सबसे अच्छा स्रोत है आपका गाजर, है ना, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर, इसमें रेटिनॉल की कमी करें यानी कि आँखों के लिए। जबकि विटामिन सी किसके लिए है, आंवला बेस्ट है, आंवला त्वचा से संबंधित बीमारी जैसे स्कर्वी रोग। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, मछलियाँ खाओ, धूप में रहो, सूर्य प्रकाश में रहो। विटामिन ई किसके कारण होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं जल्दी फटाफट, है ना, सभी का बिल्कुल बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा, है ना। पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है आपको महिला पर्यवेक्षक में। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, अभी आपको बताया विटामिन सी जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि ए डी और ई वसा में घुलनशील है ना। यहाँ से पढ़िएगा, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, जल में आपका बी सी, जबकि ए डी के, ए डी एक मिनट ना, ए डी यहाँ पर इसको मिटा देते हैं ना। चलिए देखिए, विटामिन ए डी ई के जो आपके वसा में घुलनशील है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है जल में घुलनशील बताएंगे तो बी सी, वसा में कहता है ए डी ई ई, है ना, याद रखना। वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिएगा, डेली क्लास करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं ज्वाइन बटन क्लिक करें। हाँ, सभी लोगों का परफॉर्मेंस बेहतर आना चाहिए, हमारा इतना मेहनत जाया नहीं कीजिएगा, है ना, हम इतने मेहनत से आप सभी के लिए क्लास लेकर आए हैं, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाए हैं बहुत सारे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढना इतना ही नहीं आसान होता, है ना, तो हमारे मेहनत को जाया ना करते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कौन से विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, आप सभी को बताया विटामिन ए। चलिए आप सभी के लिए प्रश्न है, विटामिन सी किसके कमी के रोग के होता है, विटामिन ई, विटामिन के, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल गुड, त्वचा स्कर्वी रोग, आंवला खाइएगा। विटामिन ए जल्दी बताइए, आप सभी बताएं, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए, इसमें गाजर खाइएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कार्बिक अम्ल, एग्जाम में पूछता है 2021 में पूछा गया था। निम्नलिखित विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, तो विटामिन डी जो है भंडारित नहीं होता, क्योंकि विटामिन ए सी और ई मिल जाता है, लेकिन डी आपका सूर्य के प्रकाश, मछली खाने से। विटामिन में किस में कोबाल्ट होता है, आप सभी को मालूम है कोबाल्ट B12, है ना, कोबाल्ट किस में होता है, B12 में, कोबाल्ट आपका B12। वीडियो को लाइक कीजिएगा ना, इतना मेहनत से हम सभी के लिए क्लास लेकर आते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। विटामिन में किस में कोबाल्ट है, विटामिन B12, जबकि विटामिन B6 क्या होता है, खुजली से संबंधित, है ना, तो विटामिन सी खाइएगा। विटामिन सेवन, आप B7 अगर पूछेगा तो बायोटिन की कमी, उसको H से प्रदर्शित किया जाता है। विटामिन B2 क्या है, बी कॉम्प्लेक्स। निम्न में कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, विटामिन ए गाजर आम
तो कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर गाजर नहीं है लेकिन आम तो है, हैं? हाँ आप बताइए, पपीता खाने से क्या मिलता है, कौन सा विटामिन मिलता है पपीता खाने से? सेब और पपीता खाने से कौन सा विटामिन मिलता है आप कमेंट करके बताइएगा, है ना? सभी जो भी हो गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आंसर बताएंगे। विटामिन ए से कौन सा रोग फैलता है, देखिए अभी आपको बताया था रंधौती रोग यानी कि रेटिनॉल, नाइट ब्राइटनेस, है ना? इसलिए कहता हूँ बेटा गाजर खाओ, गाजर खाओ, आम खाओ, विटामिन ए की कमी नहीं होगी। रिकेट्स, विटामिन डी, बेरी बेरी रोग कौन से कमी से होता है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित है, यकृत में बेटा, यकृत आएगा। निम्नलिखित कौन सा रक्षात्मक है, विटामिन, इनमें कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट। बेटा हम आप सभी के लिए क्लास इतना मेहनत से लेकर आते हैं, वीडियो में लाइक क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, डेली क्लास करना चाहते हैं, हाँ सभी लोग लाइक कीजिएगा ना, जितने भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं जो क्लास कर रहे हैं सभी के सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा मेहनत जाया ना कीजिएगा। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा होती है, वसा, वसा में ही होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, किससे मिलती है, भोजन से, भोजन में क्या खाते हैं, चावल, है ना, किसको मालूम नहीं है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, क्या खाता हो, भोजन में चावल खाओगे तभी तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ताकत मिलेगा, रोटी खाने से क्या मिलेगा फिर, रोटी से दूसरा मिलता है आपका प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। एथलीट को किसके जल्दी ज्यादा ऊर्जा मिलती है, एथलीट कार्बोहाइड्रेट, याद रखना। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, ऊतक किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है, इसीलिए मैं आप सभी को पोषण से संबंधित क्लास लेकर आया हूं, पोषण से संबंधित। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है। निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, चावल में प्रोटीन कैसे पाएगा, इसमें तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, हाँ क्या, वसा कैसे पाएगा बेवकूफ, वसा इसमें कहाँ से होगा, वसा कैसे मिल जाएगा गधे, मतलब 27 को आपको एग्जाम है, तैयारी नहीं कर रहे हो, मतलब चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन, मांस से क्या मिलता है, दूध से क्या मिलता है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। निम्न में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है, सोयाबीन में, याद रखना सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इन सभी का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्या आएगा उड़द में, क्या आएगा चना में, मटर में, कौन सा विटामिन पाता है, कमेंट करके बताओ। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, विटामिन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी, है वसा से मिलेगा। निम्न से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती, ग्लूकोस, ग्लूकोस किसमें होता है, पार्ले जी बिस्किट में होता है, पार्ले जी खाते हो, कौन कौन खाते हो बताइए, किन किन लोगों ने पार्ले जी बिस्किट खाया है यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा अपना नाम, अभी तक कौन कौन खाते हैं, उसमें ग्लूकोस रहता है बेटा, यहाँ पर पार्ले जी में ग्लूकोस मिलता है ना, क्या देखिए यहाँ पर गधे की तौर पर मैं ब्लॉक करूंगा आपको ना, यहाँ पर फालतू की कमेंट ना करें, बच्चों को परेशानी होती है। कौन सी प्रोटीन दूध में पाया जाता है, केसीन। दांतों के लिए क्या है, कैल्शियम, दांतों के लिए मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट फिर यहाँ पर पूछा गया चावल। खनिज और प्रोटीन के लिए बताइए आप लोग। सागरी खरपतवार, खरपतवार आयोडीन, नमक, आयोडीन मतलब नमक होता है। लोहा किसमें मिलता है, अब यहाँ पर बता देंगे सर यहाँ हमारे गांव में मिलता है लोहा, ऐसा थोड़ी ना, क्या पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पर, विटामिन के बारे में पूछ रहा हूँ बेवकूफ। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, सवाल। पालक के पत्तों में क्या मात्रा होती है, पालक के पत्तों में आयरन मिलती है, आयरन, इसको लोहा कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट चावल,
वसा घी से मिलता है, विटामिन किससे मिलता है, ए बी सी डी ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, आयरन कहाँ से प्राप्त करता है, पालक से। ये गधा बोल रहा है सर हमारे गांव से, कुछ भी बोल देते हो। मछली से क्या मिलता है, विटामिन डी। दूध से क्या मिलता है, प्रोटीन। पनीर से क्या मिलता है, प्रोटीन, वसा। किसमें भरपूर लौह तत्व है, हरी सब्जियां में, हरी सब्जियां खाओ, पत्तियां, पालक, पनीर, यहाँ से आपका आयरन मिलेगा। अंडे में क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, इतना नहीं जानते। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, लैक्टोज की कमी के कारण, मीठा। सुक्रोज क्या है, कमेंट करके बताइएगा सुक्रोज क्या है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, सेंट्रल फूड ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो मैसूर में है ना। वीडियो आपको पसंद आया फटाक से लाइक कीजिएगा, डेली क्लास करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन क्लिक कीजिएगा। और क्या कह सकते हैं, हाँ तो ये आपका पार्ट वन वीडियो था, पोषण एवं स्वास्थ्य से पार्ट टू वीडियो लेकर आएंगे कल हम क्लास में। मतलब अगर इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाला। पार्ट टू वीडियो देखिएगा, पार्ट वन हमारे क्लास अभी आपको कराए, पार्ट टू वीडियो कल लेकर आएंगे। जिनको पार्ट टू वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू।